तो फ्लाइट इज रेडी टू टेक ऑफ और अभी चली है। अभी हम आपको नज़ारा दिखाते जाएंगे। सामने आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में वो जो बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर आप करिएगा, ये वो दिख रही है, वो जो घूम रहा है वो राडार है बेसिकली। ये जहाज़ को सिग्नल पकड़ के बताता रहता है कि अभी आप कहाँ पहुँचे हो और अभी आपको क्या करना है। तो आप यहाँ से ठीक आए तो अभी हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। हाँ नमस्कार जी, कौन जी? कृष्ण जी, बताइए सर। क्या लिखना था सीएमओ को? देखो वो दिखाई दे रही है आपको ना। हाँ, ये बिल्कुल हम सब दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे हैं, छोटे भी हैं। देखो छोटा अजाज का बच्चा दिख रहा अजाज का बच्चा भी है, बड़े जहाज भी हैं, बुजुर्ग जहाज भी हैं, सब तरह के जहाज हैं। बाकी आपको जो है ये मुझे लगता है अभी हम रनवे पे पहुंच गए हैं और अब टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। अभी टेक ऑफ के लिए से तो पहले रुकेंगे शायद एक बार। हाँ ये अभी रुकेंगे, फिर चलने लगेगा, हम आपको फिर से कंटिन्यू कर देंगे। ये दूसरा एक और ये लैंडिंग है शायद। सनराइज का आते हुए सनराइज था, जाते हुए सनसेट का सीन नजर आएगा, ऊपर से बादल नजर आएंगे। और अभी जो है वो टेक ऑफ के लिए हम तैयार, अभी स्पीड बनने वाली है। अभी तो उधर जाएंगे, वो स्पाइस जेट वाला आया है, और उधर से आया आ रहा है। अच्छा देखा है या ना, भी आ गया भाई इस वन। जेट तो सबसे निकम्मी वो एयरलाइन है, रिजेक्ट कर दिया हमने। दो घंटे लेट थी। चलो लेट होना था कोई बात नहीं, क्योंकि एडजस्टमेंट ना के नाम पे निकम्मे हैं, एडजस्ट नहीं करते, हमारी फ्लाइट को एडजस्ट नहीं किया इन्होंने।
वो बड़ा दी स्पीड स्पीड बनी है अभी टेक हाँ जी टेक ऑफ के लिए तैयार है वो भी अभी टेक ऑफ करेगा नहीं नहीं एक और आ रहा है उसके बाद अपना वन मोर देन एयर की नहीं ये अभी आप एयर इंडिया को देख रहे हैं ये वही एयरलाइन है जिसको अभी अभी मोदी जी ने बेचा है मतलब देश बेचने की प्रक्रिया में ये भारत का गौरव कही जाने वाली एयरलाइन जिसको नेशनलाइज किया गया था कभी अरसा पहले उसको बेच करके आई होप के ये टेक ऑफ करते हुए हमें नज़र आए और वो देखिएगा आप देख पा रहे हैं बहुत करीब से हम आपको दिखाते हैं का एक प्रॉब्लम रहेगा सामने से सूरज है तो वो हमें कुछ दिखने नहीं देगा तो इसलिए हमें पॉज करना पड़ेगा तब तक आपको ये लाइन में लगे हुए और भी जो और गाड़ियां चलने के लिए तैयार हैं जीटी रोड पे तो उनको आप दिखा देते हैं इससे पहले ये विस्तारा है विस्तारा के बाद फिर कोई और फ्लाइट एक और पीछे से आ रही है उसके बाद फिर और गाड़ी निकलती होगी बस स्टैंड में तो फिर बिगड़ा कर यानी वो निकलने लग रहे आप देख ही रहे हैं सनसेट का नज़ारा ये हमारे वाली और तो आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर बाकी सब मास्क लगा के बैठे हैं अपन लोग ऐसे और आपको ये थोड़ा सा दिखेगा अभी ये ऊपर की तरफ फेस करता हुआ और आज भी हम आपको ये भी हम रनवे पर पहुंच गए हैं तो नेक्स्ट अपना नंबर है और नेक्स्ट नहीं जा रहा हूं ये लावरी पीछे आएंगे हमारे को विस्तारा हमारे बाद विस्तारा पीछे तो ये विस्तारा आएगा अपने बाद ऐसा लग रहा है नीचे गिरेगा नहीं ऐसा नहीं लग रहा मजा आ रहा है
इसलिए धुंधला दिखना स्टार्ट हो गया है, तो हम थोड़ा लाइट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अरे ये टर्न लिया और हम नीचे की तरफ झुके। ये सी है, देखो ना दिखाई दे रहा होगा उनको ना, ये समंदर का किनारा, ये क्लाउड्स आ गए हैं अभी अभी थोड़ा सा दिखाई दे रहा हुआ। और हमारे भी अभी समंदर क्लाउड्स, ये हो क्या रहा है, क्लैरिटी क्यों नहीं है, क्लाउड्स आ गए बाहर, क्लाउड्स तो है वो तो दिख रहा है, लेकिन स्पेशली हमारे गांव के लोगों के लिए और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, जो अभी तक जहाज में नहीं बैठे पाए हैं उनके लिए। हाँ, उधर क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं उनको जो चलते हुए कितनी स्पीड से जा रहे हैं क्लाउड्स। देखो ये खिड़की पे मुझे नहीं बैठने देती है, कहते नहीं हम ही बैठेंगे। और ये बाकी दुनिया, ये बच्चों ने मास्क उतार दिए हैं, ये वहाँ एयरपोर्ट पे बड़ी क्लाउड्स आ गई, क्लाउड्स के साइड में पास क्लाउड्स आ गए भाई, अब बिल्डिंग दिखाई देना बंद कर रहे अभी मतलब बिल्कुल देखो परछाई जहाज की बादल के ऊपर परछाई दिखाई दे रही है आपको। ये बीच में जो पॉइंट सा दिखाई दे रहा है आपको बीच में, नहीं मेरी उंगली थी, ये क्लाउड्स के ऊपर आ गए, हम बादलों के बिल्कुल ऊपर, ऐसा लग रहा है जैसे रुई के फावे हैं और रुई के ऊपर चल रहे हैं हम लोग। इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी। नमस्कार, उसकी बेटी बादल के सके नंबर कर दिए गए, परंतु लाने दरार में उसकी बेटी बादल ना उचित है, चाहते हैं आपके पास यात्रा के लिए कई विकल्प है, देखो बस यात्रा करने के लिए हम आपके आभारी हैं, कृपया हमारी सेवा का आनंद लीजिए। इसलिए तो ठीक साफ आ रही है फोटो, परली साइड है। अभी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है और ये बादल का एक और पहाड़ आपके सामने, एक और ऊंचे बादल ऊपर फिर से आसमान के ऊपर आसमान, एक बादल वो वहाँ ऐसा लग रहा है जैसे गोल्डन कलर का है, पहाड़ है बादलों का, मतलब बादलों का पहाड़ और गोल्डन पहाड़ एक और है एस्गार्ड जैसे थोर का इलाका है। ये लग रहा है यहाँ पे ना बिल्डिंग्स
हैं उस टापू के अंदर। उसको बुला रही है।